हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, माय नेम इज़ गुरप्रीत कौर। हाउ आर यू? आई थिंक यू आर गुड एंड आई एम ऑल्सो फाइन। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग द 22nd August एग्ज़ाम रिव्यू ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम के किवें एग्जाम आया से वह रिव्यू मैं तुम्हें दसन लगी हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने फिल किया एग्जाम तो वो बारे मैं तुम्हें दसूँगी। लिसनिंग रीडिंग वैसे ईजी सी, तो राइटिंग टास्क टू के मैं तुम्हें आइडियाज़ दूंगी कि किमें तुम लिख सकते। लिसनिंग लिसनिंग पार्ट वन के फिलअप्स आईया जोड़िया थोड़िया मॉडरेट सगिया फिलअप्स, क्योंकि वो जे थोड़े जोड़े वर्ड से कॉम्प्लीकेटड से। दैन उस तो बाद सारे जड़े से सिर्फ ओनली 10 फिलअप्स आईया सगिया। उस तो बाद सारे जड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड मैप से। फर्स्ट पार्ट सैकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से फर्स्ट 5, फिर उस तो बाद मैप से 5 मैप्स ईजी से, काफ़ी ज़्यादा ईजी से। फिर उस तो बाद पार्ट 3rd के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे, डबल ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे ना, एक वी चूज़ द 2 लैटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड गिवन लैटर्स और गिवन स्टेटमेंट्स, वो आए थे। तो लास्ट के 4th जो पार्ट से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आए थे। रीडिंग रीडिंग से ईजी टू मॉडरेट सी, फिलअप सगिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हैडिंग सगिया, एवें क्वेश्चन ही आए थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं सी रीडिंग। रीडिंग ईजी से, ट्रू फॉल सके रीडिंग दे ईजी हो जानी सी, मतलब ईजीली जोड़े भी बच्चे ने अच्छ दिता होना वो ईजीली बैंड स्कोर आ सकते हैं, 6, 6.5, 7 तक आ सकते हैं। टास्क वन जोड़ा कि मेन इंपॉर्टेंट है। टास्क वन टेबल आया सी, टेबल के उन्होंने की दिता से द डे पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्पेंड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, मल्टीपल ईयर टेबल से जिद कि डिफरेंट डेज़ बारे दसिया, नंबर ऑफ डेज़ के लिखना से, सबजैक्ट से नंबर ऑफ डेज़ भी, किन्ने लोगों ने स्पेंड किए, किन्ने पेशेंट ने स्पेंड किए हॉस्पिटल के, डिफरेंट कंट्रीज़ के हॉस्पिटल किमें एशिया के यूरोप किमें लोगों ने किए अलग अलग ईयरस के। ईजी सगा टास्क, आपने की करना सगा कंपैरिजन करना सी, मैक्सिमम मिनिमम दसना सी, ते इनक्रीज डिक्रीज वाली लाइनस लगनिया सी विच, ते ओवरऑल ये बनना सी भी किने मैक्सिमम या फिर डेज जिन्हें स्पेंड किए वो वाली कंट्री दे दस देने सी, या फिर मैक्सिमम पेशेंट केड़ी कंट्रीज़ दे विच सी वो अपने दस देना सी। टास्क टू जिहड़ा मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं तुहानूं दसदी हाँ। टास्क टू किहड़ा आया सी, सम पीपल थिंक दैट वूमेन शुड बी अलाउड टू ज्वाइन द आर्मी नेवी एंड द एयरफोर्स जस्ट लाइक मैन, मतलब कि बंदियां दे तरीके दे नाल उन्हां नूं की है वूमेन नूं ज्वाइन करन लई अलाउ करना चाहिए। टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, या फिर डिस्कस बोथ व्यू सीगा। इहदे विच की सी अपने कोल भी टास्क आया सी वी वूमेन नूं अलाउ करना चाहिए कि वह की है मैन दे तरह ही आर्मी नूं ज्वाइन कर सकन, उहदा सीगा टास्क। उहदे बारे आपां देखदे वी की लिख सकते सी, आपां एग्री ते डिसएग्री दे पॉइंट बना सकते सी। वैसे एग्री वाले ही होना सी क्योंकि एग्री दे ज़्यादा पॉइंट बन रहे सी। पहला तो की हुंदा आ वी जिहड़े एग्री दे विच पहला पॉइंट तो यही लिख सकते सी वी अजकल उन्हां रिस्क नहीं हैगा, क्योंकि पिछले जमाने दे विच की सीगा वी वॉर्स की सीगियां, जिहड़े वैपन सीगे उन्हां नाल फाइट की जाती सी पिछले जमाने दे विच, वॉर फील्ड दे विच जाना पैंदा सी लोगों नूं, उत्थे फाइट किया जाता सी। बट अजकल की कंप्यूटर टैक्नोलॉजी इन्नी एडवांस हो गई है, सिर्फ उन्होंने टैक्नोलॉजी की नॉलेज ही चाहिए है, कई भी मिजाइल्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, न्यूकलीयर पावर यूज़ की जाती है, जे इदां दे वैपनस आ गया जिन्हां दे विच कि रोबोटिक वैपनस आ गया जिन्हां दे विच बंदियां नूं घट घट यूज़ हुंदा एज कंपेयर टू द टैक्नोलॉजी, तो यह रिस्क ही नहीं हैगा, तां करके वूमेन जा सकदियां उत्थे, क्योंकि उन्हां कोल भी वह वूमेन नूं चांस दिता जाता कि वह एजुकेट हुंदियां है, सब कुछ हुंदा उन्हां कोल अवेलेबिलिटी होंगी सारिया चीज़ों की, तां करके। तो दूजा की है बेनीफिट, यदा दूजा सी भी वूमेन कहदियां हुंदियां वो मैंटली घट सोचदियां एज कंपेयर टू द हार्ट के नाल, हार्ट के नाल ज़्यादा सोचते हैं। जिमें आप फॉर एग्जाम्पल कह सकते भी जे पेशेंस की गल की जाए वूमेन ज़्यादा पेशेंस होंगे एज कंपेयर टू द मैन, जे कोई भी डिसीजन आ जे कि भी कोई भी इदा के डिसीजन आ जेडे कि वॉर के नाल रिलेटेड आ उत्थे की है वूमेन यूजली थिंक करनगियां हार्ट के नाल, तो आपको पता ही है भी हार्ट के नाल जिहड़ा भी डिसीजन लिया हों हमेशा सही हों, करके वूमेन नूं की है इनवॉल्व करना चाहिए है वर्कफोर्स के जिहड़ी की है नेवी नाल रिलेटेड आ, आर्मी नाल रिलेटेड आ, या एयरफोर्स नाल रिलेटेड आ। तो यदा डिसएग्री वाला एक पॉइंट बन सकता सीगा, जिहड़ी फैमिली रिलेशनस आ वह वीक हो सकते, क्योंकि वूमेन की आ मेन पार्ट हुंदा, वूमेन आर द थंब ऑफ एनी काइंड एनी फैमिली और द वन पिलर ऑफ एनी फैमिली, ड्यू टू लैक ऑफ वूमेन फैमिली कैन ब्रेक, मतलब की है फॉर बैटर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, फॉर बैटर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली मैंबरस वूमेन इज़ नसैसरी टू हैव, जे इदा नहीं होगा चिल्ड्रन
एंड मैंबरस वुड हैव टू स्टे डिप्राइव फ्रॉम लव एंड अफेक्शन ऑफ लेडी। मतलब एक लेडी नहीं होगी घर के उन्होंने लव एंड अफेक्शन तो दूर रहना पेगा जिद की उन्होंने फैमिली रिलेशनस की आ ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ये टास्क काफ़ी टाइम पहला आया हो आई थिंक 16 और 17 के आया हुआ, बहुत ईजी टास्क है, ईजीली हो जाना सी जे आप इन्ने भी तुम इदा के पॉइंट भी लिखे जे किसी ने यद रिलेटिड कोई पॉइंट्स लिखे हुए तो वो आराम ना 6-6.5 आ सकते हैं क्योंकि ये की जस्ट की आपने दसना सगा भी अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि इंट्रोडक्शन भी इदा ही बननी सी भी वूमेन अजक के डिफेंस सिस्टम के भी कोई भी इदा का एरिया नहीं जिते वूमेन नहीं जा रही, तो डिफेंस सिस्टम भी इतों एक्सैप्शनल नहीं गा, वो भी एक्सैप्ट नहीं गा, उत्थे भी जा रही है, वह भी इनकलूड है, एक्सकलूडिंग नहीं गा। तो वूमेन नू जान देना चाहिए क्योंकि इहदियां ज़्यादा एडवांटेजेस दैन डिसएडवांटेजेस, मैं एग्री करदी हां कि उन्होंने जान देना चाहिए रैदर दैन हैविंग अ ड्रॉबैक। भी एक ड्रॉबैक हैगी आपने दस दिता ये तो उन्होंने लास्ट भी आपने यही लिखना समअप दे विच कि उन्होंने जान देना चाहिए। तो जे तुहानू मेरी वीडियो वधिया लगी तो इहनू लाइक कर दिओ, रिव्यू किवें दा लगा मैनू कमेंट करके जरूर दस्यो, तो कोई भी वीडियो तुसी रिलेटेड ये चाहते हैं तो मैं तुहानू पा दूँगी, अपलोड कर दूँगी, तुसी मैनू दस सकते हैं। तो लास्ट मेरे चैनल में सबसक्राइब कर लो, नाल दी नाल बैल आइकन प्रेस कर दो ताकि मैं जो भी कोई नवी वीडियो अपलोड करा तुहानू नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे गाइज़।